A new year, a new you, और इस नए साल की शुरुआत में आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं. वेरी ऑब्वियस, मे बी यू वॉन्टेड टू गो टू द जिम, बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एंड स्टफ लाइक दैट, थोड़ी सी चीजें पुश हो गई हैं. सो अब घर बैठे बैठे क्या करें? कुछ क्रिएटिव करें, कुछ बनाएं, कुछ लिखें, कुछ गाएं, क्या करें? कुछ लोग नया यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते होंगे, कुछ लोग नया पॉडकास्ट. Yes, and that is what we are going to talk about today. मैं हूँ आरिज and I make videos on photography, filmmaking, videography and also techie and interesting things like this. This is a different kind of a topic which I've never made a video on before. लेकिन why not? Because a lot of people have asked for this, so I'm here to help you start your very own podcast in 2022. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉडकास्ट क्या होता है एग्जैक्टली? पॉडकास्ट, अगर आपको नहीं पता, पॉडकास्ट एक ऑडियो कंटेंट है जो कई ऑडियो चैनल्स या ऑडियो स्ट्रीमिंग एप्स में चलता है. एंड इट कैन बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. इट कुड बी अ स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट, इट कुड बी अ चैट शो पॉडकास्ट, अगर आप गाते हैं तो गाने का पॉडकास्ट हो सकता है, रेडियो ड्रामा टाइप ऑफ पॉडकास्ट हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ स्टोरी चल रही है. सो पॉडकास्ट कैन बी अ वेरियस काइंड. तो डिपेंड करता है आप किस चीज के बारे में पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं. तो वो है सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू इज थिंक, नोट डाउन, पेन डाउन, राइट डाउन what you want to make your podcast on. And it's not just one episode. आपको सिर्फ एक episode नहीं बनाना है, because if you want to really get into podcasting, it has to be a series of various episodes, at least 10 to 15 minutes each initially. If you want to make it longer, that is later, but शुरू में at least 10-15 minutes per podcast, per episode तो होना ही चाहिए. And you have to think of a topic or a series of topics that will last for a few episodes, maybe 10-15 episodes, ताकि आप गेज कर सकें कि how's it going, how are the people liking it, who are listening to it, is it doing well, are you enjoying doing it first of all. So take some time and don't be in a hurry. Think of a topic properly and think इसके अंदर कितना ज्यादा content जा सकता है, क्या क्या हो सकता है इसमें, and how much can you really talk in this podcast. The next thing, now podcast के लिए सबसे important औजार क्या है? एक माइक. यू नीड अ गुड माइक. ऑडियो इज एवरीथिंग ओवर हियर. योर ऑडियंस इज ओनली गोइंग टू हियर यू, नॉट सी यू. सो इट्स नॉट अ कैमरा, इट्स नथिंग एल्स बट अ माइक. एक गुड माइक में इन्वेस्ट कीजिए इफ यू वांट टू रियली बी सीरियस अबाउट अ पॉडकास्ट. एंड देयर आर लोड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ कैटेगरीज, डिफरेंट प्राइस रेंजेस अवेलेबल ऑनलाइन और ऑफलाइन. एंड देयर इज नो फिक्स्ड ब्रांड और अ मॉडल दैट यू नीड टू बाय. डिपेंडिंग ऑन योर बजट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू इन्वेस्ट इन, यू कैन बाय अ माइक. और इफ यू डोंट वांट टू इवन इन्वेस्ट इन अ माइक, फॉर अ स्टार्ट, फॉर एन एब्सोल्यूट स्टार्ट, जस्ट टू टेस्ट इट आउट, आप अपने फोन के जो हैंड्स फ्री होता है उसको यूज कर सकते हैं एज अ माइक. यू कैन जस्ट प्लग इट इनटू योर फोन और वेर एवर यू रिकॉर्डिंग इट इन योर कंप्यूटर मे बी, एंड यूज दैट हैंड्स फ्री माइक एज अ माइक फॉर द ऑडियो फॉर योर पॉडकास्ट. एंड फॉर अ स्टार्ट दैट्स इनफ, बट आई रेकमेंड दैट गेट अ प्रॉपर माइक. आवाज ही तो सब कुछ है इसमें. नाउ द फन स्टेप, द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेप, रिकॉर्डिंग योर पॉडकास्ट. अब अगर आप अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस अ कपल ऑफ टाइम्स. मे बी यू, इफ यू हैव अ स्क्रिप्ट, इफ यू राइट अ स्क्रिप्ट, इफ यू न्यू टू रियली टॉकिंग एक्सटेम्पोर और यू वॉन्ट टू लाइक राइट डाउन सम पॉइंट्स, डू दैट. हैव अ लिटिल नोट पैड इन फ्रंट ऑफ यू और राइट पॉइंटर्स और योर स्क्रिप्ट एंड गेट कंफर्टेबल विथ योर स्क्रिप्ट. वॉट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, हाउ यू गोइंग टू से इट एंड स्टफ लाइक दैट. तो थोड़ा सा एक दो बार रिहर्सल कर लो ताकि ईजी हो जाए रिकॉर्ड करने में, ताकि फिर बाद में टू एंड फ्रो ज्यादा ना हो. सो वंस यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मेक श्योर इट्स वेरी कैजुअल, वेरी रियल, एज इफ यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड, एज इफ यू टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट यू नो. कैजुअल, डोंट बी टू कॉन्शियस व्हेन यू टॉक. ऑफकोर्स इनिशियली शायद होगा, बट ट्राई टू रिलैक्स. अनलेस इट्स अ ड्रामा और अ प्ले वेर यू प्लेइंग अ कैरेक्टर, देन यू कैन गेट इनटू द कैरेक्टर एंड बी मोर इंटेंस मे बी, बट बी मोर रिलैक्स्ड, बी एज रियलिस्टिक लाइक हाउ सम रेडियो जॉकीज आर, ताकि योर ऑडियंस कनेक्ट्स विद यू. Now once you stop recording, try to edit the audio in a way that सारे जो ये सब थोड़ा सा हटा दो. Make the whole podcast a little more crisper, more tighter. थोड़े से spaces, जो extra spaces, thinking spaces अगर होंगे, अगर वो आप हटा सकते हैं, edit करना आता है थोड़ा बहुत तो अपने laptop पे या अपने phone पे, तो try to do that and make the audio crisper. Also, another thing is add an underlay. थोड़ा सा एक कहीं से instrumental music, copyright free instrumental music लेकर, you just put it under your voice or under what you sing, so that it makes the whole podcast a little more fuller, a little more cozy kind of a feel to it. ताकि लोग जब सुने तो थोड़ा अच्छा लगे सुनकर, बिल्कुल खाली खाली hollow sound ना आए only with the voice. So always have a slight underlay. Of course, don't make the underlay, the music too loud. Make it always very like maybe say 10 or 20% of what your volume is. So that it just thoda sa piche ek thoda sa music chalta rahe, that'll be nice.
Now that you've recorded your podcast, what do you do with it? कहाँ, कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा? इसका एक बहुत ही आसान जवाब है. Of course, there are lot of these hosts or so-called platforms where you can upload your podcast. There are various places, India and abroad, where you can upload, and sometimes you have to pay a fee for your podcast to be aired and podcast to be hosted. But I will give you one such example that I have also used, and it's absolutely free. It's called Anchor.fm. It's basically owned by Spotify. It's a great app, it's a great website, it's a great platform. जहां पर आप जाकर Anchor.fm में लॉगिन कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, अपना नाम डालिए, डिटेल्स डालिए, पॉडकास्ट की डिटेल्स डालिए, राइट अबाउट योर पॉडकास्ट, राइट अबाउट योर सेल्फ, राइट अ कैची टाइटल ऑफ योर पॉडकास्ट, वॉट इज योर पॉडकास्ट गोइंग टू बी, वॉट इज द नेम ऑफ योर पॉडकास्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ वेरी इंटरेस्टिंग कैची थंबनेल. That a picture of yours or picture of the podcast that you want to showcase, basically, so that when the audience or your listeners see in an app, they can see, this looks interesting. What is this title? What is this picture? Let me listen to this. So all that is very important. So Anchor.fm is a place. This is not a sponsored video by them, but it's a very, very easy site, a very, very easy platform where you can upload your podcast. I have done the same and you can do too. And once you upload it over there through Anchor.fm, through Spotify, your podcast goes on various apps, various channels, be it Apple Music, be it Amazon Music, be it Gaana.com, be it various music platforms. एक ही जगह से अलग अलग जगहों पर ये आपका podcast stream होगा, आपका podcast उन libraries में चला जाएगा within a span of maybe 1 or 2 days, and wherever people search for that title, that name, your name, that podcast will pop up. Isn't that amazing? I mean, और क्या चाहिए? You want an audience? You get it. Now you just have to make your content engaging. That's all up to you. And now the best part. By uploading a podcast to Anchor.fm, you can earn money. Yes, you heard it right. You can earn money on Anchor.fm, but of course not so much initially. The more your podcast is heard, the more you have listeners, jitne zyada log aapko sunenge, aapka paisa badhta rahega. So how that works is, before your podcast or in the middle of your podcast, you have to do a 30-second of an ad for Anchor.fm. You have to speak about Anchor.fm and tell everybody else who's listening to it that how easy it is to make a podcast on Anchor.fm, and that's basically a sponsored link. So aap Anchor.fm ke bare mein baat karenge, shuru mein, beech mein, wo podcast ka ek ad segment sponsored link banakar aap apne podcast ke sath upload karenge, and then you can start earning. Slowly, little amounts. Pehle starts with a few cents, dollars, and then of course it increases if you have a bigger audience. So there you go, you're all set. So that's a very, very simple way to start your very own podcast in 2022. If you have any other queries, feel free to ask me, feel free to message me, comment on this video, wherever. So now you have no excuses at all. Go ahead, have a great time, make some great podcasts, and see you in the next video.